हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि काफ़ी कुछ कहता है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के बारे में। और ये जो चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो आपकी बुक है उसी का 6th चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी उसको भी कवर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड अ सरले स्कॉलर अवार्ड एंड शेयरिंग प्ले अवार्ड एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। इट वॉज हिज फैसिनेटिंग फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। रिचर्ड एब्राइट को बायोकेमिस्ट्री और मोलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए सिरले स्कॉलर अवार्ड और सोरिंग प्ले अवार्ड मिला हुआ है, जो कि तितलियों के लिए है। और उनका जो आकर्षण था तितलियों के प्रति उसके लिए था। और इसके अलावा जिसने उनके लिए विज्ञान की जो दुनिया है वो खोली, बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स पे, जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है कि एट द एज ऑफ 22, यानी कि 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ यर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। 22 साल की उम्र में एक पूर्व स्कॉट ऑफ द ईयर ने वैज्ञानिक दुनिया को एक नए सिद्धांत के साथ उत्साहित किया कि जो हमारे सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो कैसे काम करती हैं। और रिचर्ड एच ब्राइट और उनके जो कॉलेज के सहपाठी थे, उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक कार्यवाही की, एक लेख में इस सिद्धांत की व्याख्या की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश फॉर वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। और आप कह सकते हो यह पहली बार था कि इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जो पत्रिकाएं होती हैं उन्होंने कभी कॉलेज के छात्रों के को प्रकाशित करने का काम किया, पब्लिश टू वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स। वॉट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15, हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। For Richard Abright, it was a first in a long string of achievements in the science and other fields, and it's all started with butterflies. और मैं आपको बताऊं कि Richard Abright के लिए जो science है और जो science के जो अन्य areas हैं उनमें उपलब्धियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। और ये पहली बार था और कि ये सब तितलियों के साथ शुरू हुआ। यानी कि अगर आप इस पैसेज को समझना चाहें तो आप कह सकते हो कि यह पहली बार था कि जब इस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक मैगजीन ने कभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए प्रकाशित किया हो, पब्लिश करने का काम किया हो। खेल में 15 इयर्स की उम्र में बड़ी लीग से जुड़ने और पहली बार बैटिंग करने पर घर में उत्तेजित होना जैसा था। और रिचर्ड एब्राइट के लिए साइंस और अन्य जो एरियाज थे उनमें उपलब्धि की एक लंबी फहरिस्त में पहली बार था और तितलियों के साथ शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रिव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग एंड पेनिशनवालिया, देर वॉज नॉट मच आई कुड देयर, ही सेड आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल एंड बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन, बट देर वॉज वन थिंग्स आई कुड डू अ कॉलेज थिंग्स। एकमात्र बच्चा एब्राइट पढ़ने के लिए पेंसिल्वेनिया के उत्तर में पला बड़ा और नॉर्थ में पला बड़ा वो। और इसके साथ में आप कह सकते हो कि उन्होंने कहा कि मैं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, दे आई वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड, और मैं निश्चित रूप से आई सर्टनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल एंड बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन, मैं निश्चित रूप से एक व्यक्ति की टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक बात मैं कर सकता था, चीजों को इकट्ठा करना, कलेक्ट थिंग्स। सो ही डिड एंड डिड ही यावा बिगनिंग द किंडरगार्टन अपराइट कलेक्शंस बटरफ्लाइज विद द सेम डिटरमिनेशंस।
that has marked all his activities, he also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer to sometimes star gazing all night. So, आप कह सकते हो तो उसने किया, वो हमेशा करता था. बालवाड़ी में आप कह सकते हो जो किडन गार्डन है, जो किसको हम कहते हैं कि बच्चों का जो गार्डन है, उसकी शुरुआत करके एब्राइट ने तितलियों को उसी दृढ़ संकल्प के साथ में इकट्ठा किया, कलेक्टेड बटरफ्लाइज, जिसने उनकी जो गतिविधियां थी उनको चिन्हित किया था. उनकी उन्होंने चट्टानों, जीवाश्मों, कॉइंस को एकत्रित किया और एक उत्सुक खगोल विज्ञानी भी बन गए. कई बार वो पूरी रात को तारों को चमचमाते हुए देखता रहता था. सो, अगर हम इन सारी चीज़ों पर नोटिस करें और एक चीज़ अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ईजिली देख पाएंगे कि फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ ब्राइट माइंड. पहले ही उनमें एक उज्ज्वल मन के साथ आगे बढ़ने की जिज्ञासा थी. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. और उनकी माँ भी थी जिन्होंने उनको सीखने में उनको इंटरेस्ट के लिए प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स टू हेल्प हिम मेनी अदर वेज. और उनकी जो जर्नी होती थी उन जर्नी में दूरबीन, माइक्रोस्कोप्स, कैमरे और पर्वतारोहण में करने में और अन्य उपकरण खरीद कर दिए, जिससे कि कई तरीके से उनकी तरक्की में मदद की. आई वॉज ओनली कैंपेनियन अंटिल स्टार्टिंग स्कूल, हिज मदर सेड, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. और उसकी माँ ने कहा कि जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया, अंटिल स्टार्टेड स्कूल, तब तक मैं उसकी इकलौती साथी थी. हिज मदर वॉज सेड आफ्टर आई दैट ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. उसके बाद मैं उसके दोस्तों के लिए उसके लिए दोस्तों को घर लाती थी और हम रात में सिर्फ एक काम करते थे. बट इन नाइट वी जस्ट थिंग्स टुगेदर. रिची वॉज होल लाइफ आफ्टर द फादर डाइड वेन रिची इन थर्ड ग्रेड. और रिची अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरा मेरा जीवन था. अब रिची तीसरी क्लास में था. सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. इफ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग द थिंग्स. ही मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न. और वह और उसका बेटा लगभग हर शाम जो डाइनिंग टेबल होती थी उस पर बिताया करते थे. उनकी माँ ने कहा कि अगर उसके पास करने के लिए काम नहीं होता तो मैं उसके लिए काम ढूंढती, भले फिजिकल नहीं लेकिन चीज़ों को सीखना वो इसे पसंद करता था और वो सीखना चाहता था. एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स. He just like every other kids, his mother said. वो सीखने का काम उसने किया और स्कूल में जो भी टॉप ग्रेड्स होती है उनको हमेशा उसने पाया है. और उनकी माँ ने कहा, by the time he was a second grade and by the time he was second grade, Abright had collected a 25 species butterflies found around the hometown. और उनकी माँ ने कहा कि रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो सिर्फ हर दूसरे बच्चों की तरह था. और जब वो सेकेंड क्लास में था तो एब्राइट ने अपने जो होम टाउन में आसपास पाई जाने वाली जितनी भी तितलियाँ थी उनकी जो 25 प्रजातियाँ जो हैं उनको उसने इकट्ठा किया था. तो आप इनको देख सकते हो कि ये कौन कौन सी बटरफ्लाइज नहीं थी. या देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो ये जो 24, 25 जो प्रजातियां हैं इनको पूरा टेबल में है जो उसने एकत्रित किया था. सो
द प्रोबेबली वुड हैव बीन एंड ऑफ माई बटरफ्लाईज कलेक्टिंग ही सेड बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू चेन्नई पढ़ रहा हूँ यार मैं सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एगर यंग कलेक्टर. सो उन्होंने कहा कि यह शायद मेरे द्वारा तितलियों को जो इकट्ठा करने का वो अंत होता है, लेकिन फिर मेरी माँ ने द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क नाम की एक किताब लेकर आई. वो किताब जिसने बताया कि कैसे मोनार्क जो तितलियाँ हैं मध्य अमेरिका के लिए प्रवास करती हैं, माइग्रेट करती हैं, और उसने उस जो उत्सुक युवा था जिसके माइंड के अंदर वो उत्सुकता थी, उसने यंग जो कलेक्टर था और उसके लिए विज्ञान की दुनिया ने रास्ता ही खोल दिया था. अब आगे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पाओगे एट द एंड ऑफ द बुक, और बुक के एंड में वहाँ पे जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाईज माइग्रेशंस. रीडर्स जो थे उनको बोला गया था कि कैसे हेल्प करेंगे, मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था. और लास्ट में जो भी रीडर्स थे उनको तितली प्रवास के अध्ययन करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था. दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाई फॉर रिसर्च फॉर डॉक्टर फ्रेडरिक अर हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो कैनेडा. अ ब्राइट्स अ मदर रोड टू डॉक्टर यू हार्ट एंड सन ए ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू विंग अ मोनार्क. एनी वन हु फाउंड टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क टू सेंड द टैग ऑफ डॉक्टर डॉक्टर और के हार्ट. सो जो लास्ट में जो उनको जब रीडिंग में मदद करने के लिए उनको इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने कनाडा के जो टोरंटो के विश्वविद्यालय के थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए उडकार्ट ने अपने रिसर्च के लिए तितलियों को टैग करने के लिए कहा था. तो एब्राइट की जो माँ थी उन्होंने डॉक्टर उडकार्ट को लिखा कि जल्द ही एब्राइट मोनार्क के जो पंखों पर हल्के चिपकने वाले टैग लगा रहा था, और जिस किसी को एक टैग लगी हुई तितली मिलती उसे टैग को डॉक्टर उडकार्ट के पास भेजने के लिए कहा गया था. द बटरफ्लाई कलेक्शन अराउंड द रीडिंग लास्ट सिक्स वीक इन द लास्ट समर एंड इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच एनी वेरी मेनी. So the next step, a bride was a raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in the basement through their life cycles from the egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag butterfly's wings, let them go for several years. He basement was home thousands of monarch in different stages of development. So, जो पढ़ने के आसपास तितलियां का जो कलेक्शन था, उनका संग्रह था, वो मौसम गर्मियों में करीब आप कह सकते हो कि 6 वीक तक रहता है. आप इस ग्राफ में भी देखेंगे अभी. और यदि आप उनमें एक एक करके पीछा करने जा रहे हैं तो बहुत सारी नहीं पकड़ेंगे, राइट. If you are going to chase them one by one, so you won't, would not catch very many. आप ज्यादा नहीं पकड़ेंगे. और तो एब्राइट का अगला जो कदम था वो तितलियों के झुंडों को बढ़ाना था. वो एक महिला मोनार्क को पकड़ता, उसके अंडे लेता, और उसका जो भी लाइफ साइकिल होता उसके माध्यम से वो उसका जो एक नीचे बेसमेंट था वहां पे वो बड़ा करता था. अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से बिल्कुल एक वयस्क कह सकते हो कि अडल्ट जो बटरफ्लाईज होती है उस तक पूरा वो प्रोसेस करता था बेसमेंट में. इसके बाद तितलियों के पंखों को टैग कर उन्हें जाने देता कई वर्षों के लिए उसका जो तहखाना है. और डेवलपमेंट के अलग अलग फेजों में हजारों मोनार्कों के लिए वो एक घर था. सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि क्या है, किस तरीके से कलेक्ट किया गया है, कितने टाइप की चीजें हैं. सो इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई. It's tedious. There's not much feedback, a bride said. In all time, I did it. He laughed. Only 2 butterflies had tagged work.
recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. So उन्होंने कहा कि अंत में मैंने जो तितलियों को जो टैग करना है उसकी जो रुचि है वो धीरे धीरे कम हो रहा था. ये जायज़ सी बात है और ये थकाऊ भी है. और एब्राइट ने कहा ये थकाऊ है, टीडियस और ज़्यादा फीडबैक नहीं है. वो हंसे और पूरे समय में यह किया केवल दो तितलियां जिन्होंने टैग किया था उसको फिर से पकड़ा गया. और जहाँ जहाँ मैं रहता था जहाँ वे जहाँ मैं रहता था वहाँ से 75 मील दूर नहीं थी और ये सारी चीज़ें. सो देन द सेवंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ अ रियल साइंस इज व्हेन एंटर द कंट्री इज फेयर. ये जो क्वेश्चन आंसर है ना इनको हम डिस्कस करेंगे अभी जब पूरा ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद. सो ये लिखा हुआ यहाँ पे एंड द सेवंथ ग्रेड ही गॉट हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस व्हेन द एंटर द कंट्री साइंस फेयर. और फिर वो सेवंथ क्लास में इस बात का उसे संकेत मिला कि जो रियल साइंस है वो क्या है जब वह एक काउंटी साइंस के मेले में गया और हार गया. In the science fair and the lost. It was a really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Abright said his entry was slide of frog tissues. When he saw under the microscopes, he realized the winners had tried to do real experiment, not simply make neat display. So जब वो सातवीं क्लास में था तो उसे इस बात का एहसास हुआ और कि जो रियल साइंस है वो एक्चुअल में है क्या. फिर जो वो था एक काउंटी साइंस के मेले में गया फेयर में और वहाँ पे हार गया. सो एब्राइट ने कहा कि वहाँ बैठना और कुछ भी नहीं मिलना और जबकि बाकी सबने कुछ ना कुछ जरूर जीता था वास्तव में उनके लिए एक कह सकते हो कि दुखद एहसास था. He realized the winners tried to do real experiment. और उनकी एंट्री जो थी फ्रॉग टिश्यूज पे थी और जो फ्रॉग टिश्यूज होते हैं उनके लिए थी और माइक्रोस्कोप से नीचे दिखाया. उन्होंने फील किया कि जो विनर्स हैं उन्होंने रियल जो एक्सपेरिमेंट करे हैं ना कि केवल सिंपली एक डिस्प्ले नहीं किया चीजों को. सो ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही सेड. द सब्जेक्ट आई नो most about was the insect work I did doing for in a past several year. Already, आप कह सकते हो कि रिचर्ड एब्राइट को आगे बढ़ने वाली जो भावना थी वो पहले ही दिखाई दे रही थी. एक कॉम्पिटेटिव जो स्पिरिट होता है रिचर्ड एब्राइट के अंदर वो पहले ही थी. वो कह रहे हैं कि he said I know that for the next year fair I would to do a real experiment. The subject I know most about the insect I was doing the past several years. और फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगले साल के मेले के लिए मुझे एक रियल प्रयोग करना होगा और वह उस विषय के बारे में जो सबसे अधिक मुझे पता है यानी कि जो कीट हैं जो इंसेक्ट हैं जो तितलियां हैं उनकी शोध के बारे में जो पिछले कई वर्षों से कर रहा था. So wrote to Dr. Orhart उपराट को लिखा फॉर आइडियाज बैक कैम इन द स्लैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट दोज कैप्ट अपराइट बिजी ऑल दो हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. सो तो उन्होंने विचारों के लिए डॉक्टर उकार्ट को लिखा और सुझाव के लिए एक ढेर वापस मिला था. उन्होंने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान उस टाइम में व्यस्त रखा और इसके अलावा जो उसका जो रिजल्ट था वो काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय साइंस के मेलों में उसके जो प्रयोजन पे उसको पुरस्कार मिला
इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उसे प्राइज मिले। सो फॉर द 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, सो उसने अपनी 8वीं कक्षा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स में अब राइट राइट टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। सो 8वीं क्लास में उसकी जो प्रोजेक्ट वर्क था, उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो एब्राइट है, एब्राइट ने एक वायरल बीमारी को खोजने की कोशिश की जो कुछ वर्षों तक लगभग सभी जो मोनार्क कैटरपिलर को मार देता है, वही सारी चीजें थी कि लगभग मार देता, उसके बारे में उन्होंने एक कारण खोजने की कोशिश की कि क्या रीजन हो सकता है। सो जो 8th ग्रेड का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने एब्राइट ने एक वायरल जो डिसीज होती है, उस वायरल डिसीज को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे उनके रीजन्स को ढूंढने का प्रयास किया था, जो लगभग कुछ वर्ष लगभग सभी जो मोनार्क थे उन कैटरपिलर्स को मार देता था कुछ ही सालों में। सो एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बिटल, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स, आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड, बट आई वेंट अहेड टू शो दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन। और एब्राइट ने सोचा कि जो बीमारी है वो बीटल द्वारा फैलाई जा सकती है, और बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर को उन्होंने बड़ा करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि मुझे रियल कोई रिजल्ट्स तो नहीं मिले, लेकिन आगे बढ़कर मैंने दिखाया कि मेरे जो ये जो एक्सपेरिमेंट थे, जो कोशिश की थी, और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर इन ए साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग एंड द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। अगले साल साइंस मेले में उसी थ्योरी के ऊपर मैंने परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया था कि वायसराय जो हैं वो तितलियां मोनार्क की नकल करती हैं। द थ्योरी वॉज वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वायसराय ऑन द अदर हैंड्स डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और सिद्धांत ये कहता था कि जो वायसराय जो मोनार्क की तरह दिखती थी, लेकिन पक्षियों को जो मोनार्क होता था उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता था। अदर एंड डू टेस्ट टू बर्ड्स सो मेनी दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर वीकम टू अवॉर्ड डिनर। और क्योंकि यह था कि जो वायसराय था ना वो मोनार्क की तरह दिखती है, और पक्षियों को जो मोनार्क जो था उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता था, दूसरी ओर जो पक्षियां थी उनका वायसराय का स्वाद अच्छा लगता था, और इसलिए जितना अधिक वो मोनार्क की तरह दिखती उनका जो पक्षियों का भोजन बनने की संभावना उतनी ही कम होती थी। राइट, सो एबॉट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बटर्स अब ये लिखा हुआ अब राइट टू प्रोजेक्ट वॉज सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। अब राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर showed the Viceroy probably copy of Monarch. This project was placed the first in the zoology division, a third overall the country science fair. और ये जो चीजें थी जो उन्होंने बताया कि एब्राइट ने कहा कि बाद में जो अन्य लोग थे उनकी शोध का उन्होंने पता लगाया, और जैसे ही उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में पता लगाया और कि वायसराय शायद मोनार्क की नकल करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के प्राणी को जूलॉजी के अंदर सबसे पहला और काउंटी साइंस के अंदर काउंटी साइंस फेयर में पूरे उसमें थर्ड प्राइज पे तीसरे स्थान पर रखा गया था। इन द कंट्री साइंस फेयर में उसे थर्ड प्राइज पे रखा गया था। सो इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के अपने जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन द सेकेंड ईयर द हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगिन टू रिसर्च
द लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ नोन इंसेक्ट हॉर्मोन इनडायरेक्टली इट्स ऑल्सो लीड टू अ न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स. सो इन द स्कूल और स्कूल में अपने दूसरे साल में रिचर्ड अब्राइट ने फिर से रिसर्च करना शुरू किया, जिसके कारण उन्होंने एक अननोन, जो कहते हैं ना अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक ऐसे हार्मोन की खोज की अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली. इट ऑल्सो लीड टू न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स. और ये एक नए कह सकते हो कि लाइफ ऑफ सेल के ऊपर भी उस सिद्धांत को बताया गया था. द क्वेश्चन इज ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, वॉट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. सो उनका जो क्वेश्चन था, जिसका जवाब आप कह सकते हो कि देने में बहुत ही सिंपल था, कि क्या एक जो उद्देश्य क्या है मोनार्क प्यूपा पर 12 जो छोटे छोटे गोल्ड टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स हैं, उनका उद्देश्य क्या है. यानी कि जो मोनार्क प्यूपा है उस पर 12 छोटे छोटे स्वर्णिम धब्बे हैं एक तरीके से, तो उनका उद्देश्य क्या है वो उनको समझना चाहते थे. सो एवरीवन एज्यूम्ड, सो एज्यूम टू स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल राइट सेट, बट डॉक्टर और हार्ट डिडंट बिलीव इट. सो एवरीवन अज्यूम, सबने ये अनुमान लगाया कि ये धब्बे सिर्फ सजावटी थे. आपने देखा होगा तितलियों पे धब्बे बने रहते हैं, राइट. लेकिन ओकार्ट, जो डॉक्टर ओकार्ट था, उन्होंने इस चीज पर विश्वास नहीं किया. और जवाब खोजने के लिए, टू फाइंड द आंसर, अब्राइट एंड अनदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस टू शो दैट स्पोर्ट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. फिर उन्होंने एक जो यंत्र होता है उसको उनको बनाना पड़ा, जिसके बाद और जिससे ये पता चले कि तितलियों के जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं उनके ऊपर, वो उनके डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट हार्मोन से उनका प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस हार्मोन को जो नेसेसरी है उनके लिए. दिस प्रोजेक्ट won a bright first place in the country fair and entry to the international science engineering fair. There he won a third place for geology. Also got a chance to work during the summer entomology laboratory for the Walter Reed Army Institute of Research. This project आप कह सकते हो कि इस project ने क्या किया कि पूरे एक हाई इस प्रोजेक्ट ने उनको कंट्री में इस प्रोजेक्ट ने उनको अपनी काउंटी मेले में, जो काउंटी मेला जो था, मैं कंट्री पढ़ रहा हूँ, आई थिंक ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है. सो काउंटी फेयर में उनको फर्स्ट प्राइज मिला, और इंटरनेशनल साइंस में और इंजीनियरिंग के मेले में जब इसे प्रेजेंट किया गया तो उन्हें जूलॉजी के अंदर थर्ड, और उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उसकी जो लेबोरेटरी थी गर्मियों के दौरान काम करने का मौका भी मिला. सो एज द हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस. जब वो हाई स्कूल के अंदर थे, सो हाई स्कूल के एक जूनियर के रूप में एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने जो भी प्रयोग थे उनको जारी रखा था, और उसी साल उनकी परियोजना अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले में, विज्ञान के मेले में पहला लक्ष्य हासिल किया, और गर्मियों के दौरान उनको एक प्रयोगशाला में काम करने का मौका भी दिया. तो ये है कम्प्लीटली, आप देख सकते हो कि जो चीजें दी हुई हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, कि हाई स्कूल के अंदर जो रिचर्ड हैज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनार्क प्यूपा, उस पर जो एडवांस रिसर्च थी उसको जारी रखा, और उसी साल दैट ईयर द प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. और उनको एक चांस मिला कि वो आर्मी की जो प्रयोगशाला है उसमें काम करने का मौका भी दिया. इन द सेकेंड ईयर वो एक कदम और आगे बढ़ गए. इन द सीनियर ईयर, मतलब कि सेकेंड ईयर, ही वेंट फॉर स्टेप फर्दर
वो एक कदम और आगे बढ़ गए. ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर एंड सो दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन टू द नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन द गोल्ड स्पॉट्स. और उन्होंने इस चीज पे रिसर्च कर ली कंप्लीटली और ये बता दिया कि जब भी हम अपने जो साइंस होती है, जो उसकी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को तितली के जो पंख स्केल होते हैं ना, उसमें तभी विभाजित भी कर सकती है और विकसित भी तभी हो सकती है जब वो धब्बे दिखाई देने वाले जो हार्मोन्स को उनको खिलाया जाए. इन हिज सेकेंड ईयर ही वेंट फॉर स्टेप फर्दर. वो अपने सेकेंड ईयर में एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने एक जो कह सकते हो कि जो ग्रुप होता है उसके बारे में रिसर्च किया. फ्रॉम अ मोनार्क विंग कल्चर शोर द सेल्स डिवाइडेड टू डेवलप द नॉर्मल बटरफ्लाईज और ही वेर वी फीड हार्मोन्स टू गोल्ड स्पॉट्स. और उन्होंने बताया कि जो गोल्ड स्पॉट होते हैं उनको किस तरीके से वो डेवलप होता है, कैसे उन्होंने काम किया और ये सारी चीजें उन्होंने बताई और उनकी जो उत्पत्ति होती है उनको प्रदर्शित किया. और जो गोल्ड स्पॉट होते हैं उनके सामान्य तितली के जो स्केल्स होते हैं उसमें केवल तभी विभाजित और विकसित हो सकती है जब उन्हें जो गोल्ड स्पॉट से हार्मोन को खिलाया जाए. तो ये उन्होंने रिसर्च किया और इस परियोजना में जो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं उनमें उनको पहला स्थान, स्नातक स्तर पर सेना प्रयोगशाला में काम करते हुए जो उसकी कृषि विभाग है उसकी लेबोरेटरी में काम करने का उनको मौका मिला यूएस डिपार्टमेंट की. सो आप कह सकते हो कि इस योजना ने अंतर्राष्ट्रीय में प्राणी विज्ञान में पहला स्थान जीता था इन्होंने. प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. ही स्पेंड समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग और उन्होंने अपने समर बिताई वहां पे स्नातक ग्रेजुएशन के दौरान में सेना की प्रयोगशाला में जहाँ पे अमेरिका का जो यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का वहाँ पे उन्होंने काम करते हुए समय बिताया. द फॉलोइंग समर आफ्टर द फ्रेश मैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब्राइट वेंट बैक टू लेबोरेटरी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स यूजिंग लेबोरेटरी sophisticated instrument he was able to identify hormones chemical structure. So अगले गर्मियों में जो हार्वर्ड कह सकते हो कि विश्वविद्यालय जो है उस हार्वर्ड के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में रिसर्च किया और उन रिसर्च से उन्होंने काफी कुछ चीजों के बारे में उन्होंने बताया. और पहले कह सकते हो कि पहले वर्ष बाद उन्हें वापस से जो प्रयोग जो प्रयोगशाला है उसकी जो उसका आइडिया है अरियर एंड हाफ ईयर आप कह सकते हो कि उसके बाद जो लेबोरेटरी में जब उन्होंने काम किया तो अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले वर्ष में बाद में और एब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस गया वो. और एब्राइट गॉट एन आइडिया टू डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिड मोर वर्क हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. और उसके बाद उन्होंने जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं जो सोने के धब्बे जैसे बने होते हैं उनके हार्मोन पर और अधिक उन्होंने काम किया. प्रयोगशाला में बिल्कुल मॉडर्न उपकरण का उपयोग यूज करते हुए हार्मोन की जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको पहचान करने में बिल्कुल सफल हो गया. अ ईयर एंड हाफ लेटर एक और आध डेढ़ साल बाद ड्यूरिंग ए जूनियर ईयर अब्राइट गॉट आइडिया फॉर न्यू थ्योरी अबाउट द लाइफ लाइफ सेल लाइफ इट्स कम व्हाइल इज लुकिंग फॉर एक्सरे फोटोज केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्मोन्स. और डेढ़ साल बाद आप कह सकते हो कि अपने काम के दौरान में अब्राइट को लाइफ सेल के बारे में एक नए थ्योरी के लिए विचार आया. ये तब आया जब एक हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर के दौरान वो एक्सरे की तस्वीर को देख रहा था. When he was those photos, Albright didn't shout. Eureka, even I have got it. But he believed that, along with his finding about the insect hormone, the photos gave me answers to one biology's puzzles. How cell can read blueprints of DNA? DNA is a substance in the nucleus
न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स एंड कंट्रोल हाइडेटी इट्स डिटरमाइन द फ्रॉम एंड फंक्शन द सेल, दस डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उन्होंने उन तस्वीरों को देखा, यूरेका, यहां तक कि मुझे मिल गया, ये नहीं चिल्लाया. उनका मानना था कि जो कीट जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो अपने जो निष्कर्ष होते हैं, उन निष्कर्षों के साथ में उन्होंने जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की जो पजल्स हैं, उस पहेली में एक जवाब दिया. और ये जवाब ये था कि जो सेल्स होती हैं, कैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो सब्सटेंस होता है, उसको पढ़ सकते हैं. और डीएनए ही एक कह सकते हो कि न्यूक्लियस है सेल्स को कंट्रोल करने का, उसकी हेरिडिटी को कंट्रोल करने का, और मतलब कि वो उसकी अनुवांशिकता होती है जिसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और ये सेल के रूप में काम करता है, निर्धारित करता है. कैसे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो ब्लूप्रिंट है लाइफ का. देखिए, अब्राइट और हिज कॉलेज रूममेट्स जेम्स आर्डबॉम वॉक्ड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. टुगेदर दे लेटर रोट अ पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. अब्राइट और उसके कॉलेज के जो साथी थे जेम्स और वॉम, उन्होंने ये दिखाने के लिए कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने पूरी रात प्लास्टिक्स मॉडल्स तस्वीरें बनाई, और प्लास्टिक के मॉडल के साथ में अणुओं के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण करने के लिए काम किया. साथ ही साथ उन्होंने बाद में उस लेख को लिखा जिसमें उस सिद्धांत की, उस थ्योरी की व्याख्या की थी उन्होंने. सरप्राइजिंगली नो वन नो न्यू हिम. रिचर्ड अबराइट ग्रेजुएट फ्रॉम द हार्वर्ड विथ हाइएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी कि 1510 स्टूडेंट्स में से उनको सेकंड जो पोजीशन थी वो उन्होंने प्राप्त की. और जो जो कोई नहीं जानता था कि कैसे, उनमें से किसी को भी आश्चर्यचकित न करते हुए रिचर्ड एब्राइट को सर्वोच्च सम्मान के साथ हार्वर्ड की जो स्नातक ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो मिली. और अपराइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इन हिज थ्योरी. और इसके बाद आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स ने अपनी जो क्लास है उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था. और अपराइट बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएशन के छात्र एक रिसर्चर बने, और वहां वे अपने सिद्धांत को परखने के लिए नए नए प्रयोग करने लगे. इफ अ थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो थ्योरी करेक्ट प्रूफ होती है और सही साबित होती है, तो लाइफ साइकिल की तरफ एक बड़ा स्टेप होगा. इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझने के लिए, एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको उनकी समझ के लिए बहुत बड़ी चीज होगी. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिसीज. ऑल ऑफ दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ राइट अ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू अ पर्पज टू स्पोर्ट्स ऑफ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी ऑफ अबाउट सेल लाइफ. और एबॉट की जो चीजें थी कि उन्होंने कुछ आगे चल करके, आप कह सकते हो कि ये जो रिजल्ट्स हैं, ये कैंसर हो गया, अन्य जो डिसीज होती हैं, इनको रोकने के लिए एक नए आइडियाज आए. और जो ये सब जो एब्राइट की जो साइंटिफिक कह सकते हो कि जिज्ञासा के कारण संभव हो पाया है, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू पर्पज ऑफ अ स्पोर्ट्स मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू थ्योरी ऑफ अबाउट सेल. और एक मोनार्क प्यूपा पर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका, उनके उद्देश्य में उनका जो विद्यालय, जो अनुसंधान था, वो कोशिका जीवन के बारे में उन सिद्धांत की ओर ले गया. इट्स लीड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, सेल लाइफ की थ्योरी की तरफ ले गया. क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट था उन चीजों को करने में, वो बचपन से ही वो सारी चीजें करते हुए आ रहे थे. सो रिचर्ड अबराइट हैज इंटरेस्टेड इन द साइंस सिंस द फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज.
तो रिचर्ड अब्राइट की रुचि हमेशा से साइंस में रही, उन्होंने सबसे पहले तितलियों का संग्रह शुरू किया, बट नॉट सो डीपली दैट हैज नॉट टाइम टू अदर इंटरेस्टेड, और लेकिन इतनी गहराई से नहीं, उनके पास अन्य जो चीजें थी उनके लिए समय नहीं है। और अब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटर इन अ पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। जो एब्रॉइट हैं वो एक चैंपियन कह सकते हो कि डिबेट में उन्होंने एक पब्लिक जो स्पीकर होता है, एक अच्छा सबको मिलने जुलने वाले व्यक्ति थे, वो आउटडोर पर्सन थे। एंड ही इज ऑल्सो अ एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, और एक बहुत ही जबरदस्त एक फोटोग्राफर भी थे जो विशेष रूप से प्रकृति और साइंटिफिक चीजों को प्रदर्शित करता हो उसके बारे में। सो यहाँ पे अगर हम इन चीजों को देखें और जानने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि इन अ हाई स्कूल, यहाँ पे लिखा हुआ है इन हाई स्कूल, रिचर्ड अब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज इजी। ही टर्न इन टू हिम एनर्जी टू वॉच द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड स्टेट क्लब्स। हाई स्कूल में अब्राइट केवल एक ऐसे स्टूडेंट थे क्योंकि सीखना आसान था, तो उन्होंने अपनी ज्यादातर जो एनर्जी है वो बहस में, डिबेट में, मॉडल्स में और राष्ट्र क्लब की ओर लगाई, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट नेशन की क्लब्स में लगाई, मॉडल जहाँ पे बनते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन एडमायर रिचर्ड्स वाइदर हिज सोशल स्टडीज टीचर्स एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, मिस्टर वाइदर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी, देन ही ओपन माई माइंड न्यू आइडियाज एवराइट सेट। और अब राइट ही कहते हैं कि उन्हें कोई प्रशंसा करने वाला भी मिल गया, रिचर्ड ए विहरर। उन्होंने सोशल जो सामाजिक अध्ययन होते हैं उनके जो टीचर्स थे वो दोनों क्लबों के एडवाइजर थे। एब्राइट ने कहा कि श्री मिस्टर वियरर ने अधिकांश मेरे लिए सही व्यक्ति थे, उन्होंने दिमाग के नए विचारों को खोला। सो रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वायरर सेट, व्हाट प्लीज मी वाज ही वाज दिस पर्सन टू पुट इन 3 or 4 hours एट अ नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल द रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्टेड। सो रिचर्ड वेरन ने कहा कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करता था, जो 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 मुझे जो बात खुश करती थी। और यहाँ जो व्यक्ति था वो तितलियों और उसके अन्य हितों के साथ साथ सभी जो अनुसंधान होते हैं वो सारी चीजें करता था, और 3 4 घंटे विवादी अनुसंधानों में वो बिताता था, ये उसकी सबसे बड़ी खास बात थी। और रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव और मिस्टर वेरर कंटिन्यू उन्होंने बोलना जारी रखा, और उन्होंने बताया कि वो बहुत ही प्रतिस्पर्धी था, कॉम्पिटेटिव था, बट नॉट अ बैड सेंस, वो बुरे सेंस में नहीं था। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग इन अ विनिंग अ सेक ऑफ विनिंग गेट प्राइज, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज वॉन्टेड टू डू द बेस्ट ही कुड फॉर द राइट रीजन्स, ही वॉन्ट्स टू बी बेस्ट। और उन्होंने बताया कि रिचर्ड को जीतने के लिए, जीतना एक पुरस्कार पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि सही चीज के लिए थी, क्योंकि वो चाहता था कि जो काम वो कर रहा है वो 100% उसमें दे, उसमें बेस्ट दे, फॉर द राइट रीजन, एक सही कारणों में वह एक अच्छा बनना चाहता है। एंड दैट द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट टू मेकिंग अ साइंटिस्ट, और एक यही जो इंग्रेडिएंट है जो साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए, स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड, एड क्यूरियोसिटी, और सबसे पहले तो उत्सुकता होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगी ना, फर्स्ट, अगर फर्स्ट श्रेणी की बात करें तो माइंड से शुरू होती है कोई भी चीज, उसके अंदर अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा को लाओ, मिक्स इन वेल विथ विन राइट रीजंस। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट के पास ये क्वालिटी थी, ये गुण है। एंड फ्रॉम द टाइम बुक, और एक समय जब उसने जो बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड साइंस हिम, और उस बुक ने उसके लिए वर्ल्ड साइंस की चीज आंखें खोल दी। और रिचर्ड ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड ब्राइट ने अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसको कभी नहीं खोई है। सो ये लिखा हुआ है रॉबर्ट बी पीटरसन ने। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं ताकि चीजों को और बेटर वे में समझ पाएंगे और आपको कुछ आइडिया भी लग पाएगा कि ये चीजें कैसे आगे चलने वाली हैं।
देखिए अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड बुक बिकम टर्निंग पॉइंट ऑफ रिचर्ड एबराइट्स लाइफ। तो ये है इसका आंसर कि कैसे वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हो इजीली, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाओ, समझ पाओ। अब हम बात करते हैं कि हाउ डिड हेल्प मदर, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। सो मदर ने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करी उनकी। तो ये सारा जो आंसर है यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के इजीली समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट लेसन डज अब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग साइंस फेयर। सो उसने बिल्कुल इसलिए क्योंकि फ्रॉक टिश्यूज पे उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया तो कोई प्राइज नहीं मिला, क्योंकि उनका जो इम्पोर्टेंट लेसन था वो केवल डिस्प्ले करने पे नहीं था। उन्होंने ये सीखा कि रियल एक्सपेरिमेंट्स हमें करने होंगे। सो व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही डू अंडरटेकन। सो उन्होंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपने अंदर लिए, जैसे कि उन्होंने वायसराय बटरफ्लाइज के ऊपर जो मोनार्क की कॉपीड होती है वो किस तरीके से होती है, पूरा डीएनए जो होता है उसके बारे में, उन सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर करना वो भी बटरफ्लाइज के ऊपर। सो व्हाट आर द क्वालिटीज, ये देखिए यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, क्वालिटीज आपको लिखना है, क्वालिटीज दैट गो टू अ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। देखिए टाइपिंग करने वाले मिस्टेक तो करते हैं यार। और आंसर्स में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ थ्री एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ मेक अ साइंटिस्ट। द फर्स्ट इज द फर्स्ट दैट रेट द माइंड, माइंड जो शुरू होती है अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा प्रेजेंस में रखो। और बट लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट विल डू द बेस्ट टू विन, और जीतने के लिए हमेशा कोशिश करो, कोशिश करो कि अपना 100% दो हर एक चीज में। सो थिंक अबाउट इट के भी क्वेश्चन है कि हाउ टू बिकम एंड साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन डज द सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मेनी बुक्स। रीडिंग मेनी बुक्स सब्जेक्ट नॉट इनफ, मस्ट डेवलप स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी थिंकिंग को डेवलप करना। और ये जो चीजें हैं ना, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाता है, आपकी क्यूरियोसिटी को बहुत आगे ले जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन है कि यू मस्ट हैव रीड द सेल्स ऑन एंड डीएनए इन योर साइंस बुक, डिस्कस रिचर्ड एब्राइट। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो कि ब्लूप्रिंट लाइफ की जो है वो डीएनए से कैरी की जा सकती है, और दे पास इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन को पास होते हैं। सो चिल्ड्रन इज एवरीवेयर वॉन्डर अबाउट द वर्ल्ड। सो ये जो क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट्स वाले, तो इसको भी आप देख सकते हो कि क्या कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, सो ये है इनके आंसर। सो ये है पहला क्वेश्चन और दूसरा तीसरा। देखिए सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करिए, राइट। और सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि किसके ये, अगर आप चाहते हैं चीज़ों के बारे में अपने आसपास देखना कि आकाश नीला क्यों है, तारे चमकते क्यों हैं, रेनबो क्या है, क्यों पृथ्वी पे जो अर्थ है वो नीचे गिर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेविटी के बारे में आपको जानने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा ब्लू स्काई के रीजंस। तो आप ये क्वेश्चंस को जब आप खुद ही करते हो ना, इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर खुद ही वो क्यूरियोसिटी आएगी। सो आई होप कि ये जो चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो इस नंबर पर सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं, 8770077431। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।